कोई और प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उस पे भी नीचे आता है कि हाँ ये ठीक है लेकिन कोटा फैक्ट्री कोटा फैक्ट्री का मतलब हाँ मतलब sometimes it's like I feel bad but कोटा में हमने ये पूरा शूट किया है, हमने तीनों सीजन और हम सब साथ में ही रहते हैं तो ऐसा लगता था कि हम एक ही घर में रहते हैं। मैं शायद नाइट कॉलेज ज्वाइन कर लूं तो उन्होंने बोला यही टाइम है पढ़ने का, अगर एक बार तुमने पैसे कमाने शुरू कर दिए उसके बाद तुम पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं लोगे। सो तुम उनके बच्चे हो, उस माँ ने तुम्हें 25 हड्डी टूटने जितना दर्द लेके तुम्हें पैदा किया, उसकी नीयत कैसे खराब हो सकती है। राइट। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today, I'm in conversation with the cast of Kota Factory. Hi guys, welcome to Bollywood Hello, Now. Hello. Hi, Bollywood Hello. Now. सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, ढेर सारा प्यार मिल रहा है जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुई है। कुछ कमेंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला कमेंट तो ये कि 20 तारीख को नेशनल हॉलीडे करवा दो। दूसरा है फाइनल अटेम्प्ट, डोंट टेल दिस इज अ लास्ट सीजन। बताओ आप लोगों को कुछ आइडिया है इसका? लास्ट सीजन ये तो वक्त बताएगा, नेटफ्लिक्स बताएगा वक्त, ये सीजन के रिस्पॉन्स से पता चलेगा। लोगों का प्यार, लोगों के प्यार में आ रखे लोग। अगर लोग इस सीजन को उतना ही प्यार देंगे और ज्यादा प्यार देंगे तो शायद एक अगला सीजन बनेगा। तो ये तो कोटा फैक्ट्री इज नॉट सेलिब्रेटिंग सक्सेस, दे आर सेलिब्रेटिंग प्रिपरेशन। यस 100%। सबसे पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, आप लोगों का कोई मेमोरी है कोटा फैक्ट्री को लेकर सेट से? आप सबसे बहुत सब पूरा शो ही मेमोरी है हमारा। मेमोरेबल कोई एक ऐसा मेमोरेबल किस टाइप का फन जिसको आप आज भी याद कर सकते हो? बहुत सारे हैं वैसे, लिटरली मतलब हम सेट पे तो फन करते ही थे बट ज्यादा फन हम वापस होटल में आते थे। हम क्योंकि हम कोटा में हमने ये पूरा शूट किया है, हमने तीनों सीजन और हम सब साथ में ही रहते हैं तो ऐसा लगता था कि हम एक ही घर में रहते हैं। तो हम साथ में शूट पे जाते थे, फिर वापस वहाँ शूट करते थे पूरा दिन, फिर वापस आते थे। हम हमेशा पैकअप के बाद सब लोग अपने अपने रूम में नहा के सब फ्रेश होके वापस एक किसी के कमरे में आते थे, आलम के कमरे। खाना साथ पे खाते थे और दिन पूरा डिस्कस करते थे। तो आई थिंक वो सारे मोमेंट्स बहुत स्पेशल रहे हैं। हम सब ने हम पांचों ने इनफैक्ट जो टाइम साथ में स्पेंड किया है, इनफैक्ट हम वेट करते हैं कोटा फैक्ट्री का शूट होने का। हाँ सच में वेट करते हैं, मतलब ऐसा बहुत ही कम होता है कि जितने भी एक्टर्स हों सब गहरे दोस्त बन जाएं रियल लाइफ में भी और इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए और सब अच्छे, मतलब किसी को किसी बात का बुरा नहीं लगता हो, मतलब ऐसा बहुत कम होता है। राइट, बट आप सब में सबसे ज्यादा फनी कौन है? मयूर। क्या फनी तो फिर एवरीवन। किसने बोला मयूर? फन नहीं बोला, फनी बोला। फनी फन तो तुम हो, ये तुम जो संभाल रहे हो। क्या मन से ऐसा है भाई? फन आलम है, फनी मयूर है। और इमोशनल कौन है? फनी सबसे इमोशनल। मुझे लगा था ऐसा, कभी भी रो सकती है ऑन क्यू। और सार्कास्टिक रेवती भयंकर। हाँ सबसे ज्यादा चुपता भी उनको है ना, और सबसे जल्दी गुस्सा कैसे चले जाएगा सब? आलम। लोगों ने सवाल भी पूछा है कोटा फैक्ट्री के बारे में, जिस तरीके से स्टूडेंट्स पे प्रेशर बनता है या फिर कभी कभार हम ऐसे देखते हैं कि टीचर्स का सपोर्ट बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है हर स्टूडेंट्स के लाइफ में, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है अगर टीचर आपके हर एग्जाम्स में साथ दे या मोटिवेट करे, क्या कहना चाहोगे आप लोग? बहुत इम्पोर्टेंट होता है बहुत। जैसे मैंने सोचा था, मैं जैसे मुंबई में जूनियर कॉलेज होता है फिर सीनियर कॉलेज होता है, तो जूनियर कॉलेज के बाद मैंने सोचा था यार मैं अभी कॉलेज नहीं करूँगा, मैं कहीं जॉब वॉब कर लूँगा या कुछ कर लूँगा। पर मेरी एक जूनियर कॉलेज की टीचर थी, उनको पता चला कि मैं कॉलेज नहीं कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि भाई क्या मैंने सुना तुम कॉलेज नहीं कर रहे हो? मैंने बोला कि हाँ मुझे नहीं लगता, मैं शायद नाइट कॉलेज ज्वाइन कर लूँ। तो उन्होंने बोला यही टाइम है पढ़ने का, अगर एक बार तुमने पैसे कमाने शुरू कर दिए उसके बाद तुम पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं लोगे, सो मेक श्योर कि तुम वहाँ जाके, उन्होंने कॉलेज का नाम बताया और वहाँ पे जाके मुझे ज़बरदस्ती मुझे बोला कि मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा और आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद आपको जो करना है वो करो, आप फ्री हो। सो दैट वाज द बेस्ट एडवाइस। राइट, आप ऐसे कोई कहना चाहेंगे? कि मैं 12th में ऐसे IIT प्रिपरेशन के टाइम पे गिव अप हो गया था, तो मैंने ऐसे भैया को या घर पे किसी को कॉल करके ऐसे बोला था कि कुछ ऐसा जम नहीं रहा, बहुत ऑफ चल रहा है, और ये मेरे मन में था कि 500 रुपया मेरे पास, मैं बम्बई भाग सकता हूँ, ऐसी चीज़ें। बट जब भैया से बात हुई तो उन्होंने बोला कि तू कहीं भी चला जाना, बट ये जो पढ़ रहा है ख़त्म करके चला जा, IIT में जा मत जा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अभी अगर बीच में कुछ ऑफ लग रहा है तो ये नहीं कि वो छोड़ दिए, जो पढ़ रहा था आज ऑफ लग रहा है कल फिर कुछ अच्छा पढ़ लेना,
ऐसे करके कर ले खत्म, फिर जो ना हो उस अनुसार चले जाइयो। राइट, तो उस हिसाब में यू नो एक डायलॉग है ट्रेलर में कि ड्रीम देखी जाती है बट एम इज टू अचीव, कितना आप सब अपने लाइफ में इसे मानते हो। हां एक्चुअली करेक्ट, बहुत करेक्ट। हां नो आई मीन आई एम जस्ट अग्रीइंग टू इट, एक्चुअली बहुत सही है। अब मतलब एक्चुअली ये सारे जो डायलॉग्स हैं हमें पर्सनली भी बहुत इट्स नॉट जस्ट कि एज कैरेक्टर्स हम बोल रहे हैं कि पर जब हम भी जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और इतने अच्छे लिखे हुए इतने अच्छे डायलॉग्स हैं तो ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हमें इम्पैक्ट करता है कि जैसे यही डायलॉग है कि तैयारी ही जीत है, तैयारी ही जीत। तो दिस इज अ वेरी मतलब ये मुझे बहुत हिट किया था कि हाँ आप कितनी भी मेहनत करो आप द गोल इज टू गेट वॉट यू वॉन्ट बट वॉट यू कैन डू इज जस्ट work hard, you right. give your 100% right. and more like enjoy the journey. In fact, enjoy in that journey, case, haan, one final attempt. वो जो बोलते हैं ना it gives a goosebumps कि हाँ यार कभी आप ऐसे down भी हो ना that line simple but one final attempt से मुझे आप सबसे पूछना है क्या seriously ये last season तो नहीं होने वाला है ना again नहीं क्योंकि ये सब पूछ रहे हैं literally तो last season है नहीं 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 last season पता नहीं हमें भी नहीं पता इतने ही clueless है जितनी आप हैं क्यों बोल रहे हो पता नहीं last season है नहीं नहीं वो है कि अगर ये season अच्छा गया तो फिर वो Netflix का डिसीजन है क्या करें। कोटा फैक्ट्री Netflix से पूछिए, कोटा फैक्ट्री सच में एक फैक्ट्री है, बड़ा फैक्ट्री है। हाँ बिल्कुल काइंड ऑफ कोटा ना, कोटा शहर ना, कोटा शहर मतलब फैक्ट्री है ऑब्वियसली क्योंकि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, कितने कितने लोग आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए तो सबको वो सेम ट्रीटमेंट मिलना और सबको उतना पूरा अटेंशन मिलना तो थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। बिल्कुल। तो बट यार कोटा फैक्ट्री के बारे में कुछ और बताओ क्योंकि ऑडियंस सुनना चाहती है कोटा फैक्ट्री के बारे में कोई स्कूप। मोर ड्रामा, मोर रोमांस, मोर पढ़ाई, मोर ज्ञान, एवरीथिंग इज एक्स्ट्रा, मोर फ्रेंडशिप एंड मयूर मोरे आल्सो, एंड मयूर मोर ऑफ हिम आल्सो, मोर ऑफ मी आल्सो, मोर ऑफ मी आल्सो, मोर ऑफ मी आल्सो, मोर ऑफ सबका मोर ऑफ मी। वैसे टू बी ऑनेस्ट हम ऐसे कुछ बता तो नहीं सकते हैं शो के बारे में क्योंकि शो अब तक रिलीज नहीं हुआ, 20 तारीख को होगा। लेकिन एक बात मैं चाहूं तो मेरे से राइटिंग में ले लो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीजन है, बहुत कुछ हो रहा है, मतलब आप मिस नहीं कर सकते हो अगर आप जेन्युइन कोटा फैक्ट्री के फैन हो तो, मतलब आप उड़ जाओगे भाई ये सीजन कोटा फैक्ट्री जिस हिसाब से राइटिंग है, कहानी जिस तरफ जा रही है ना, मतलब उड़ जाओगे आप। बट कोटा फैक्ट्री ने क्या कुछ चेंज किया आपके लाइफ में? काफी कुछ चेंज किया, हम आपके साथ बैठे हैं, सबसे बड़ा चेंज यही है हम नेटफ्लिक्स के ऑफिस में बैठे हैं, नेटफ्लिक्स के ऑफिस में इंटरव्यूज दे रहे हैं, हमारे लिए हम सबके लिए एक्चुअली ये करियर का टर्निंग पॉइंट था कोटा फैक्ट्री। प्यार बहुत सारी चीजों ने दिया है, इज्जत कोटा फैक्ट्री ने दिलवाई है आई थिंक 100%। ऐसे आप लोगों को कोई सोशल मीडिया पे मैसेज करता है क्या कोटा फैक्ट्री को लेके कि गाइस यही अभी यही चलता रहता था, सीजन 3 कब आएगा तो अब देखते हैं अगला सवाल क्या आएगा, सीजन 3 तो आ गया। एवरी थर्ड डीएम इज अबाउट कोटा फैक्ट्री एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, हम पांचों के इसमें कोई और शो लॉन्च होता है या कोई और प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उस पे भी नीचे आता है कि हां ये ठीक है लेकिन कोटा फैक्ट्री का बता, मतलब सम टाइम्स इट्स लाइक आई फील बैड बट एहसास। आपकी अगर बात करूँ तो आपने ऐसे हॉस्टल डेज फिर हाफ सीए सब में आपने ऐसे 19 इयर्स वाला किरदार ही निभाया है और कैरेक्टर्स चेंजिंग है बट लेकिन कितना आपके लिए इन सब में सबसे डिफिकल्ट कौन सा रोल रहा है? हाफ सीए आई थिंक शिवांगी, यस यू हैड टू शेयर वन ऑफ द है ना, शिवांगी थोड़ा सा चैलेंजिंग कैरेक्टर है। हां मेरे लिए आई थिंक क्योंकि वैसी टर्म्स और वो सब है ना। हां बट आई फील लाइक सभी मतलब हाफ सी ए में भी वही था लाइक बहुत क्योंकि वो पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का था स्टडी, वो भी क्योंकि मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ तो तीनों में अलग अलग चीज़ें हुई तो चुप कर मोरे प्लीज। तो तीनों कैरेक्टर्स सेम एज हैं, द फैक्ट दैट तीनों कैरेक्टर्स आर 19 ईयर ओल्ड्स बट चारों गर्ल्स हॉस्टल सिस्टर्स आल्सो 19 इयर्स ओल्ड तो वो भी सारे कैरेक्टर्स लेकिन दो सब लोग एक दूसरे से बहुत अलग हैं तो वो आई थिंक इट्स आई एम वेरी हैप्पी कि एज एन एक्टर आई गेट टू डू समथिंग दिस स्पेशल वेयर आई एम प्लेइंग द सेम एज बट आई एम प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स इन ऑल दोज प्रोजेक्ट्स। बट आप लोग के लाइफ में ऐसे कभी जबरदस्ती कोई स्टडीज के लिए बाहर गए हो? नहीं पढ़ना चाहते हो बट फिर भी? नहीं बस मेरे को धमकी दी जाती थी घर से कि ज्यादा मस्ती करेगा तो बोर्डिंग भेज दूंगी। इसको पता होता बोर्डिंग कैसा होता है ये तभी चला गया होता। हाँ, सच में
तभी लगता था। बट कई यू नो लास्ट सवाल है ये मेरा, क्योंकि फैंस ने पूछा है कि यू नो कई सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं जबरदस्ती भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप सब? पढ़ लो यार, भेजा तो पढ़ लो और क्या भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना जीवन में। उस समय और कुछ और करना चाहते हो तो उन्हें समझाने की कोशिश करो कि भाई ये नहीं करना कुछ तो। जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में तो वो पढ़ने ही भेजना है भाई, पढ़ लो, अच्छी बात होती है पढ़ना। मतलब इफ यू हैव अदर प्लान्स तो बोल दो, शायद समझ जाएंगे शायद नहीं समझेंगे, बट कोशिश तो करनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो 12 से लेके 22-23-24 साल तक की उम्र तक है ना, आपसे जितनी हो सके उतनी मेहनत करो, जितने झंडे गाड़ सकते हो, जितने तीर मार सकते हो ना कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने ये भी किया, सब कर लो भाई। थैंक्स थैंक्स। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? वेरी आई थिंक जो उन्होंने बोला एग्जैक्टली वही कि क्या बोला बताओ मैं बोल लूंगी तो यही कि आपके पेरेंट्स आपका हमेशा दे ऑलवेज लुक आउट फॉर यू, आपका भला चाहते हैं, तो आपको पढ़ने ही भेज रहे हैं ना, बिल्कुल, और उससे आपको फायदा ही होगा। लाइक एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ और करना है, आपके और प्लान्स है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, तो यू कैन हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स, एटलीस्ट ट्राई। एंड नहीं तो फिर मतलब आपके जो पेरेंट्स, मुझे तो लगता है जो आपके पेरेंट्स जो आपके लिए सोचते हैं, जो आपके लिए डिसीजन लेते हैं, when you are not able to take, like when you are not at that age to take your own decisions, if your parents are taking it for you, I think just believe in them. जैसे उदय कोटा फैक्ट्री में कहता है, के माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं पर दोस्त उनकी नियत कभी गलत नहीं होती है। माँ बाप हैं वो तुम्हारे, तुम उनके बच्चे हो, उस माँ ने तुम्हें 25 हड्डी टूटने जितना दर्द लेके तुम्हें पैदा किया है, उसकी नियत कैसे खराब हो सकती है। राइट, थैंक यू सो मच गाइज जॉइनिंग विथ मी एंड आई एम जस्ट विशिंग यू गुड लक। वैसे ट्रेलर तो ऐसे ही नो इट्स जस्ट गोइंग वायरल लाइक एनीथिंग, but good luck. Thank you so much for having you. Me. It was such a lovely chat with you all. Watch Koda Factory 20th June. Only on Netflix. Yes.